हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पे। सिक्स क्लास से रिलेटेड सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ जो भी क्लासेस हैं उन सभी का मैटर हमारे चैनल पे अपलोड होता रहता है। अगर आपने हमारी वीडियोज नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। रात को डेली 8:30 बजे हम लाइव आते हैं एट्थ क्लास की जो बुक्स है उसके लिए। वहां पे आपको मेन मेन लाइंस और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना वो बताते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, एसएसटी का चैप्टर है। और इसके जो जो मेन मेन पॉइंट्स बनते हैं वही भी हम पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला आप पॉइंट देख सकते हैं, सात तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, सात तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे वाली, फ्रांस में स्पेन यूनान में स्मॉल बियर, मतलब कि फ्रांस में इसको सप्तऋषि मंडल को स्पेन कहा जाता है, यूनान में स्मॉल बियर कहा जाता है, ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। उसके बाद में जो ध्रुव तारा होता है तो ध्रुव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटल या स्थिर। उसके बाद में आते हैं खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में फैले तारे, आसमान में जितने भी फैले हुए तारे हैं, उल्का हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, जिनमें पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा भी शामिल होते हैं, उन सारों के समूह को हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, तारों व उनके अवशेषों व तारों के मध्य गैसों व धूलकणों के जमाव को आकाशगंगा कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तारों व उनके अवशेषों और तारों के मध्य गैसों व धूलकणों के जमाव को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई है, जो कि बताते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। उसके आगे देखते हैं इरावत पथ, जो इरावत पथ है उसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, आकाश गंगा को ही हम इरावत पथ कहते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद में आगे देखते हैं, पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष बाद नजर आता है। तो पुच्छल तारा अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष बाद नजर आता है, तो 76 वर्ष बाद नजर आता है। तो पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाया गया था, और अब 2062 में दिखेगा। उसके बाद में ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में रहता है। अगर आपको नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसके बारे में पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे? कि आप रात में ध्रुव तारा देख सकते हैं, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, और उसी के हिसाब से आप किस दिशा में जान जाते हैं उसके बारे में भी पता लगेगा। तो इसके बाद में देखते हैं अगला लेसन, जितने भी लेसन पढ़ाए जाते हैं उतने लेसन पढ़वाएंगे और डीप ज्यादा नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से जो मैटर हमारा पेपर के अकॉर्डिंग बनता है वही हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं अगला लेसन। उसके बाद में दूसरा लेसन जिसका नाम है सौर परिवार। तो सौर परिवार का बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है, और उसके बाद में और भी देखते हैं। सौर परिवार होता क्या है? ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कापरनिक्स ने बताया था कि जो निकोलस कापरनिक्स थे, इन्होंने बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सौरमंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है, तो ये माना गया है कि कितने करोड़ वर्ष पूर्व है? 460 करोड़ वर्ष है। उसके बाद में सौरमंडल है जो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सूर्य है जो, इसके बीच में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, या सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की होती है? वो है हाइड्रोजन व हीलियम। उसके बाद में बात करते हैं अगला, सूर्य प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 30 सेकंड में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे पृथ्वी पर आने के लिए कितना समय लगता है, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? 8 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्रम, तो सौर परिवार में सूर्य से आगे जितने भी ग्रह आते हैं उनका क्या क्रम है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो इसमें देखेंगे। तो इसका जो क्रम है वो कैसे है? सूर्य से सबसे साथ में कौन से है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो वरुण का माना जाता है कि वरुण तो समाप्त हो गया। उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग के चार ग्रह हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में जो लास्ट के चार ग्रह हैं, इसको हम 12 ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं,
शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, पृथ्वी। तो इन सभी के कुछ उपग्रह होते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो शनि के कितने उपग्रह हैं? 18। अरुण के कितने हैं? 17। बृहस्पति के कितने हैं? 16। वरुण के कितने हैं? 8। मंगल के 2, पृथ्वी का 1। तो ये सारे के सारे जितने भी उपग्रह हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। उसके बाद में आते हैं बौने ग्रह। तो बौने ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? जो कि छोटे ग्रह होते हैं या बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं, उसका नाम है प्लूटो और सैरिस। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौने ग्रहों के नाम बताएं, तो प्लूटो और सैरिस। उसके बाद में आगे देखते हैं, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। तो पृथ्वी के साथ कौन सा जुड़ा हुआ ग्रह है माना जाता है? शुक्र। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? शुक्र। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी का है उसका औसत तापमान कितना है? तो औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा से बड़े उपग्रह कौन कौन से हैं। तो उन सभी के नाम है, सबसे पहला है शनि का टाइटन कैलिस्टो, बृहस्पति का गैनीमेड, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी उपग्रह हैं ये चंद्रमा से बड़े हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे, पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। तो पृथ्वी का जितना भी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल है, वो चंद्रमा से 81 गुना बड़ा है। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृति चंद्र कलाएं कहलाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्र कलाएं किसे कहते हैं, तो चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृति क्या कहलाती है? चंद्र कलाएं कहलाती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, अपने अक्ष पर 29 दिन चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन में पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में, मतलब कि चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पे कितने दिन में एक गेड़ा पूरा करता है? 29 दिन में। और पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है तो वो कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मंगल व बृहस्पति के मध्य असंख्या छोटे पिंडों को शुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मंगल व बृहस्पति के मध्य असंख्या छोटे पिंडों को शुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम तीसरा लेसन भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा लेसन है उसका नाम है अंतरिक्ष खोज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र पिरामिड ने 2500 ईसा पूर्व पहले स्थापित हुए, ठीक है। जो खगोल शास्त्र थे उन्होंने बताया कि ये पिरामिड से 2500 ईसा पूर्व पहले स्थापित हुए थे। उसके बाद में गीजा का पिरामिड ध्रुव तारे की सीध में है। तो गीजा का जो पिरामिड है वो ध्रुव तारे की सीध में, और ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। उसके बाद में आते तारों की तालिका, चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई। जो तारों की तालिका है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुई थी तैयार? 4वीं ईसा पूर्व में या 4वीं सदी में। उसके बाद में आता है आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी को गोल किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताई गई है, और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। उसके बाद में आता है आगे, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन, ठीक है, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया? एराटोस्थीनिस ने ईसा पूर्व 3 ईसा पूर्व में कर दिया था। उसके बाद में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने किया, तो भास्कराचार्य ने। उसके बाद में आती है दूरबीन। तो दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? हॉलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था। गैलीलियो ने कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। उसके बाद में आता है देश की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर में फतेह सागर झील में रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी दूरबीन राजस्थान के किस जिले में रखी गई है? तो उदयपुर जिले में रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं मास्ट सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है, मतलब कि मास्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद में आता है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वेणु बाबू दूरबीन है, मतलब कि दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में भी एक दूरबीन रखी हुई है जिसका नाम है वेणु बाबू। उसके बाद में आगे देखते हैं 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, ठीक है। तो यह भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में पहली वेधशाला, ठीक है, पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में खोली गई थी। सौर वेधशाला ये आपकी, ठीक है। उसके बाद में 1734 में जयपुर में सबसे बड़ी सौर वेधशाला खोली गई है। उसके बाद में आगे देखते हैं
जो है स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह ने तीन यंत्रों का निर्माण किया जिसका नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें ये सूर्य से संबंधित हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं तो इसके आगे है पलायन वेग की गति। तो पलायन वेग की गति है जो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला उपग्रह कब भेजा गया, किसने भेजा, तो 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ ने भेजा। उसके बाद में आता है स्पुतनिक सेकंड बाद में भेजा गया जिसमें लाइका कुतिया को भेजा गया था अंतरिक्ष में। 1961 में सोवियत संघ में प्राणी को अंतरिक्ष में भी भेजा गया था जिस प्राणी का नाम क्या था, यूरी गागरिन। वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की इन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद में आता है 1969 में यूएसए ने अपोलो 11 को 3 यात्रियों को भेजा, 2 को चंद्रमा पर उतारा भी जिसमें से एक का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम 1984 में राकेश शर्मा ने यात्रा की अंतरिक्ष की, दूसरी बार कल्पना चावला गई 2003 में। उसके बाद में 1975 में पहला आर्यभट्ट को बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपित किया। उसके बाद में आता है मंगलयान, तो नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से भेजा गया। 11 माह की यात्रा के बाद 2014 में इसको सफलता मिल गई। उसके बाद में आता है 2008 में चंद्रयान भी भेजा गया। उसके बाद में 2015 में अब एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया और ये अंतरिक्ष वेधशाला बन गई। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है, विकास साराभाई को जाता है। तो इसके बाद के जितने भी लेसन है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।